नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चीन के लिए इस बार सर्दी बड़ी आफत बन सकती है। यहां कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। अक्टूबर माह में 24 मौतों का मामला सामने आने के बाद विशेषज्ञों ने इस बाबत चेतावनी भी जारी की है। सरकार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के श्वसन रोग विशेषज्ञों ने सर्दी के मौसम में कोविड-19 संक्रमण बढ़ने का अंदेशा जताया है। चिकित्सकों ने यह भी सलाह दी है कि बुजुर्गों और कमजोर आबादी जल्द से जल्द कोविड टीकाकरण करा ले। इस चेतावनी के बाद एक बार फिर ये अंदेशा जताया जाने लगा है कि क्या कोरोना एक बार फिर वापस लौट रहा है। कोरोना का पहला केस चीन के वुहान शहर में ही मिला था। इसके बाद से वायरस ने दुनिया भर में अपना आतंक मचाया था। करोड़ों लोग इससे संक्रमित हुए थे और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब एक बार फिर वायरस बड़ा खतरा बन सकता है। चीन में पिछले माह कोरोना से हुई 24 मौतों के आंकड़े इस बार बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। माना जा रहा है कि यदि चीन में हालात फिर बेकाबू हुए तो वायरस का नया वेरियंट फिर से हमला कर सकता है। चीन में पिछले माह कोरोना के केसों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई थी। चीनी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की माने तो अक्टूबर में कोरोना के तकरीबन 200 नौ गंभीर मामले सामने आए थे। इनमें से 24 की मौत हो गई थी। चीन सरकार के मुताबिक इन सभी मौतों का कारण कोरोना का XBB वेरिएंट था। कोरोना का यह स्ट्रेन विशेष तौर पर सर्दी के मौसम में ही एक्टिव होता है, जो संक्रमण के मामलों में बड़ी तेजी का कारण बन सकता है। चीन के वुहान शहर में कोरोना का पहला केस मिला था। धीरे धीरे ये महामारी में बदल गया। जब कोरोना के केस ज्यादा बढ़े तो चीन ने जीरो कोविड रणनीति का पालन किया था। इस रणनीति के तहत चीन को सफलता मिली थी, लेकिन दिसंबर 2022 के बाद से चीन ने इस नीति को छोड़ दिया। इसके बाद चीन ने इस नीति को छोड़ ही दिया था। इससे कोरोना का स्तर पीक पर पहुंच गया। विशेषज्ञों के मुताबिक जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन की ज्यादातर आबादी कोरोना से संक्रमित ही नहीं हुई थी। इस वजह से उनमें प्रतिरोध क्षमता विकसित नहीं हो पाई थी। इसके अलावा चीन में जो वैक्सीन विकसित हुई थी वह भी बहुत प्रभावी नहीं मानी गई। चीन में कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए बना गया टीकों का कम प्रभावी होना भी इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। दरअसल चीन में सिनोवैक और सिनोफार्मा दो टीके बनाए गए थे। चीन की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए उनमें भी इनके बूस्टर डोज की संख्या साफ नहीं की गई है।